हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुलिस विभाग में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। दोस्तों, अगर आप पुलिस कांस्टेबल जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कैसे बने, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, यानी कि योग्यताएँ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एसएससी कांस्टेबल कैसे बने, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें एसएससी कांस्टेबल कैसे बने, तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करें। दोस्तों, उसके बाद आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा आप किसी भी स्ट्रीम में पास करें। दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे सीबीटी के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, सभी चरणों की भर्ती परीक्षा में सफल होने पर एसएससी कांस्टेबल के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, बात करें एसएससी कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, तो दोस्तों कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा यानी कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ होना चाहिए और एसएससी कांस्टेबल पोस्ट के लिए हाई स्कूल परीक्षा पास किया हुआ होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेंट भारत का नागरिक होना चाहिए और कैंडिडेट कम से कम 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल हो सकती है। दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट और फिजिकल मेजरमेंट की, तो दोस्तों कैंडिडेट की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट का सीना यानी कि चेस्ट कम से कम 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट और सीने की माप में नियम के अनुसार सरकार द्वारा कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करें। दोस्तों, उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा 10+2 आप क्वालिफाई करें। दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें। दोस्तों, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन समय समय पर कांस्टेबल की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। दोस्तों, जब एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आप ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद भर्ती परीक्षा आपको पास करना होगा जो 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कि सीबीटी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको पास करना होगा। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने के बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको पास करना होगा। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में पास होने पर आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में पास करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन आपको नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये मंथली होती है। सैलरी के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता आदि अन्य कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं। दोस्तों, रिटन टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, सबसे पहले रिटन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा जो कि कुल 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
में कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों एग्जाम के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 200 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ रेस होगी और लंबी कूद और ऊंची कूद यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट का माप किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों सभी चरणों में क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।